देवास शहर से जिले में कोरोना संक्रमित लोगों के लगातार बढ़ने को लेकर प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट पर बिठाकर खिलाने को लेकर रोक लगा रखी है। सिर्फ पार्सल की सुविधा की अनुमति दी गई है। इसके विपरीत बस स्टैंड पर लालाजी की होटल हर्ष रेस्टोरेंट पर बिना मास्क लगाए कई ग्राहक खड़े हुए थे। प्रशासन की टीम ने भीड़ को देखकर लालाजी की होटल को आगामी आदेश तक सील कर दिया, साथ ही लोगों को खड़ा करने के एवज में जुर्माना भी किया है। सबसे पहले तो आपको रंगपंचमी की बधाई है। इसमें आपको पता है कि कोरोना के केस निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं। कल का आप देखें तो कल पूरे देश में करीब 80,000 के इसके आसपास केसेस आए हैं। उस चीज़ को देखते हुए प्रशासन, पुलिस प्रशासन की, नगर निगम की टीम जो है वो सतत रूप से कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसमें चलानी कार्रवाई भी करते हैं, रोको टोको में भी कम काम करते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, सलाह काउंसलिंग सब करते हैं। सुबह से कई दिनों से देखा जा रहा था कि जो खाने की दुकानें हैं, होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, इनमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि इनको पार्सल देना है, पर ये नहीं मान रहे हैं। कि अभी हम बस स्टैंड पर हर्ष रेस्टोरेंट है यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको लगातार 3 दिनों से हिदायत दी जा रही थी कि आप कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, पर नहीं हो पा रहा था। जब हम सुबह यहाँ पर अभी आए तो करीब 40-50 लोग खड़े हुए थे, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, ना दुकान के किसी कर्मचारी ने मास्क लगाया हुआ था, ना उन्होंने अपने आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाने की हिदायत देने की कोशिश की। सर अभी आपत्तिजनक है और इसी प्रकार से कोरोना के प्रकरणों को में बढ़ोतरी होती है। इस दुकान को हमने भी सील कर दिया गया है, सील करने का उद्देश्य ये है कि इससे एक हमारे जो शहर के सभी व्यापारी जो स्पेशली होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, वो इस बात का अपने मन में रख लें कि अगर फर्दर कोई इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो प्रशासन इस पर कड़ी सख्त कार्रवाई करेगा। सर ऐसे कितनी होटलों पे जो होगी जैसे आप निरीक्षण कर रहे हैं? अभी हमको आज जहाँ पे लगता है कि एक आध मौका देते हैं, कहीं समझाइश भी देते हैं, पर जो लोग नहीं समझते हैं उन पर इस प्रकार की सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। बिल्कुल चलती रहेगी, डेली चलती रहेगी और आपके माध्यम से ये सब लोगों को एक मैसेज पहुँच जाना चाहिए कि कोरोना अभी बढ़ रहा है, जिम्मेदारी से लोग रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और स्पेशली जो प्रतिष्ठान हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं या कुछ भी जो है, उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारियों को मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराएं और जो उनका कोई ग्राहक वगैरह भी आता है उसको भी मोटिवेट करें। हमने आज से अस्थायी जर्नी बनाई है, सुबह से हमने कई लोगों को हमारे जो शहर में विभिन्न चेक पॉइंट्स लगे हैं थाना वाइज में, हमारे पुलिस प्रशासन और नगर निगम के सारे लोग काम कर रहे हैं। अस्थाई जेल के माध्यम से हमने लोगों को 3 से 4 घंटे अस्थाई जेल में भी रखा हुआ है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग समझें कि अब अगर हम नहीं चेतेंगे तो शायद स्थिति और खराब हो सकती है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।